हेलो गाइस, व्हाट्स अप गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा आप कितनी बार नहाते हैं, इसकी हिंदी कैसे बनाएंगे और इसके जैसे और भी सेंटेंस की हिंदी कैसे बनाएंगे, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। Before starting the video, if you are new here, so please subscribe our channel and also press the bell icon so you can get the notification of our regular videos. Share it if you like it and also make comments. So guys, how often do you के साथ आप लगाएंगे verb की first form? इसका formula आप बदल भी सकते हैं अगर आप ये question past में कर रहे हैं तो how often did you लगाएंगे, और अगर आप फ्यूचर में कर रहे हैं तो हाउ ऑफन विल यू लगाएंगे। सो गाइज, व्हेन आस्किंग दिस क्वेश्चंस यू आर इंक्वायरिंग हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंट समवन डज अ पर्टिकुलर थिंग। सो गाइज, इस एक्सप्रेशन के द्वारा आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, और जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप ये पूछ रहे हैं कि कोई किसी खास काम को कितनी बार करता है। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में लोगों से पूछते हैं कि भाई आप कितनी बार ऑफिस जाते हैं, कितनी बार आप खाना खाते हैं, या आप कितनी बार कपड़े धोते हैं, या आप ब्रश कितनी बार करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आज हम इस एक्सप्रेशन में पढ़ने वाले हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट सेंटेंस कमिंग फॉर यू, हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, हाउ ऑफन Do you exercise? आप कितनी बार कसरत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि Do you exercise? आप कसरत करते हैं, और उसके बाद हम पूछ सकते हैं आप कितनी बार कसरत करते हैं। How often do you exercise? How often do you change your password? आपका पासवर्ड जो होता है, जैसे कि हमारे ईमेल आईडी का पासवर्ड है, मोबाइल का पासवर्ड है, अक्सर जो होशियार लोग हैं वो उसको बदलते रहते हैं मंथली, ईयर, 15 दिन में, हफ्ते में। सो हाउ ऑफन डू यू चेंज योर पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड कितनी बार चेंज करते हैं। हाउ ऑफन डू यू ब्रश योर टीथ, आप अपने दांत कितनी बार ब्रश करते हैं। हाउ ऑफन डू यू बेथ अ डे, हाउ ऑफन डू यू बेथ अ डे, आप दिन में कितनी बार नहाते हैं। हाउ ऑफन डू यू टॉक टू योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता से कितनी बार करते हैं। अगर कोई अपने शहर से बाहर रहता है जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए, तो हम उससे बात कर सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से कितनी बार बात करते हैं। हाउ ऑफन डू यू रिसीव योर न्यूज़पेपर, हाउ ऑफन डू यू रिसीव योर न्यूज़पेपर, आप अपना न्यूज़पेपर कितनी बार रिसीव करते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आपका न्यूज़पेपर कितनी बार आता है, आपका न्यूज़पेपर कितनी बार आता है। हाउ ऑफ्टन डू यू रिपोर्ट टू योर सुपरवाइजर, हाउ ऑफ्टन, गाइज मैं यहाँ पे हाउ ऑफ्टन का साउंड कर रहा हूँ क्योंकि हाउ ऑफन के साथ साथ हम हाउ ऑफ्टन भी कह सकते हैं। हाउ ऑफ्टन जो है अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है। सो हाउ ऑफ्टन डू यू रिपोर्ट टू योर सुपरवाइजर, आप अपने सुपरवाइजर को कितनी बार रिपोर्ट करते हैं। अगर आप काम करते हैं किसी कंपनी में और आपके ऊपर जो सुपरवाइजर होता है उसको रिपोर्ट करना होता है, आने के टाइम उसको रिपोर्ट करना होता है, जाने के टाइम रिपोर्ट करना होता है, और अगर बीच में हम छुट्टी लेते हैं, लीव लेते हैं, तो उसके लिए भी रिपोर्ट करना होता है। How often do you need to go to the dentist? How often do you need to go to the dentist? आपको डेंटिस्ट के पास कितनी बार जाना पड़ता है? यानी काफ़ी लोग जो होते हैं जो जिनके दांतों में प्रॉब्लम होती है वो 3 महीने में 6 महीने में डॉक्टर के पास चेकअप कराने आते हैं। डेंटिस्ट कहते हैं दांतों के डॉक्टर को। How often do you need to go to the dentist? आपको डेंटिस्ट के पास कितनी बार जाना पड़ता है। हाउ ऑफ्टन डू यू चेंज योर क्लॉथ अ वीक, हाउ ऑफ्टन डू यू चेंज योर क्लॉथ अ वीक, आप एक हफ्ते में कितनी बार कपड़े बदलते हैं। हाउ ऑफ्टन डू यू गो टू द मार्केट इन अ मंथ, हाउ ऑफ्टन डू यू गो टू द मार्केट इन अ मंथ, आप महीने में कितनी बार शॉपिंग करने जाते हैं। तो गाइस, फार्मूला इसमें चेंज करते हैं, हाउ ऑफ्टन डिड यू अब हम यूज़ करते हैं, यानी कि अब हम इसको पास्ट में यूज़ करने वाले हैं। हाउ ऑफ्टन डिड यू ट्राई
हाउ ऑफ्टन डिड यू ट्राई, आपने कितनी बार कोशिश की थी, यानी कोई काम करने के लिए आपने कितनी बार ट्राई किया था। हाउ ऑफ्टन डिड यू कॉल मी, हाउ ऑफ्टन डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे कितनी बार फ़ोन किया था। गाइज इसमें हम पर्संस को भी चेंज कर सकते हैं, तो देखते हैं इसमें अगर हम थर्ड पर्सन यूज़ करते हैं तो क्या चेंजेस इसमें आएंगे। हाउ ऑफ्टन डज शी कुक, हाउ ऑफ्टन डज शी कुक, वह कितनी बार खाना बनाती है। इसमें हमें क्या करना है, हमें डू के बजाय डस का इस्तेमाल करना है अगर हम शी का इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं। हाउ ऑफ्टन डज मोहन गो टू स्कूल, हाउ ऑफ्टन डज मोहन गो टू स्कूल, मोहन कितनी बार स्कूल जाता है। हाउ ऑफ्टन डज शीला डांस, हाउ ऑफ्टन डज शीला डांस, शीला कितनी बार डांस करती है। हाउ ऑफ्टन डज योर ब्रदर ब्रश हिज टीथ, हाउ ऑफ्टन डज योर ब्रदर ब्रश हिज टीथ, तुम्हारा भाई कितनी बार दांत मांजता है। सो गाइज यू ऑल्सो कैन ट्राई प्रैक्टिस दिस एट होम बाय मेकिंग सम न्यू सेंटेंसेस एंड स्पीकिंग इट एंड प्रैक्टिसिंग विद योर पार्टनर। गाइज अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगले वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट फॉर्म, जो इंग्लिश में सेंटेंसों में शॉर्ट फॉर्म जो होती हैं, एब्रीविएशन होती हैं, हम वो पढ़ने वाले हैं गाइज। ओके गाइज नाउ इट्स टाइम टू गो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।